ले जाते हैं, उनका मिलना बहुत गम हो जाता है। हेलो भाग्यश्री, क्या लाई हैं आप? अरे थोड़ा सा पुदीना। पुदीना? पुदीना वाह, टेस्ट के लिए। हाँ, हे थैंक यू, वेलकम। और ये क्या है? नींबू पानी। ये क्या है छोटा सा? ये चीनी। अच्छा, नानी के लिए, ताकि नानी को। हाँ, पर उसमें चीनी डाली ही नहीं, क्योंकि आपको कितना मीठा लगता है कितना नहीं, वो हिसाब से। हाँ ठीक है, क्योंकि सर बोलते ज्यादा मीठा पीना अच्छी बात नहीं है। डाइट जी। शहद स्माइल देखे तो बोलते सर इतना डेकोरेशन मैंने अच्छा किया, कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। हाँ, झूठ के अंदर आके मैंने क्या बोला? अभी 5 मिनट पहले तुझे बोला, 10 मिनट पहले। अभी मैंने क्या बोला कि अभी तो स्माइल कर देते, तो मैंने क्या किया? स्माइल। और भाग्यश्री, तेरी तो ये नोकझोंक चलती रहती है सर के साथ, पता नहीं क्या। अरे पुराने, अच्छा तेरे को अच्छा लगता है? आई डोंट थिंक सर को अच्छा लगता है। नहीं सर, स्टार्ट में गुस्सा होते हैं पर बाद में हैप्पी हो जाते हैं। हो जाते हैं। अभी तो सर भी मस्त जोक्स करने लगे। ओहो, ये सर्टिफिकेट फिर से मिला, एक और सर्टिफिकेट मिला। इतने अच्छे प्रोड्यूसर है तो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल, इतने अच्छे प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, और इतने अच्छे अच्छे जोक्स भी करते हैं। है सर, तुझे मालूम है सर कितने सारे मेरे पहले जो शोज होते थे उसके जोक्स सर ही लिखते थे, मालूम है? हाँ, अर्चना टॉकीज में है ना, यूज टू राइट। हाँ, दैट वाज माय स्टार्टिंग राइटिंग। और भाग्यश्री, तूने ये जो फूल लगाया, थैंक यू सो मच। मतलब हालांकि गार्डन में फूल हैं, लेकिन तूने डेकोरेशन के लिए लगाया। मुझे बताया कि मैडम ने बहुत खुश हुई है, बोला मैंने सफेद वाले फूल लगाए और पीले, मैडम बहुत खुश हुई, मुझे सवेरे बता दिया। नहीं, वो जो मैडम के रूम में लगाए थे वो बोले। हाँ, तो अब यहाँ लगे हैं। हाँ, यहाँ पे भी लगे, पर कल मैडम के रूम में वो भी मस्त। मॉम ये लो आप, सॉरी भैया लोग ने, भैया लोग ना गेम खेल रहे हैं। हाँ यार, वो गेम में बिजी है, कितना पसंद करते ना गेम को, अच्छी बात है। ऐसे तो भैया को भूख लगी थी, बड़े भैया को, तो मैंने फटाक से सूप वाली मैगी बनाती थी। हमको भी पूछ लेती, मैं भी बोला था भूख लगी, अभी खाना खाना। सर नहीं, मैं मैडम को बोला था भूख लगी। कभी कभी तुम्हें हो गया, आपको पूछो सर आपको तुम्हारा भूख लग रही है सर? तू सुनती है लेकिन मैंने नहीं सुना, क्योंकि मैं नहीं सुनती सर की। तो सर ने बोला भूख लगी है, मैंने अनसुना कर दिया उसे। आप एक बार भी मुझे बोल देते भाग्यश्री भूख लगी है, क्विक में आपको कुछ भी बना नहीं। मैं तुझे तकलीफ नहीं देना चाहता। सर तकलीफ नहीं, उल्टा अच्छा है, वजन कम हो जाएगा। आप भी बोलते भाग्यश्री कम हो जाए, कम हो जाए। कब बोला? तुझे बोलती रहती ना सर, एक बार आप बोले थे क्या? वो तो मुझे भी बोलते रहते हैं हमेशा। हाँ, बोलते हैं कि वजन कम, बट सर खुद फिट रहते हैं ना, इसलिए वो सबको बोलते रहते हैं। अच्छी बात है, पर किसी को अच्छे मतलब सिखाते हैं सर, बहुत सी बीमारियां प्रॉब्लम्स नहीं आते फिट रहने से, है ना? लेकिन आज हमारा वर्कआउट का वो है ब्रेक, संडे ना। हाँ, आज संडे है, संडे एंजॉय कर रहे हैं। संडे को एकदम शांत रहना चाहिए। क्या? अच्छा, उतना नहीं पीना आपने? क्योंकि मैं चीनी डालूंगी ना, तो अच्छा। फिर वो वापस ओके डाल दे, कोई बात नहीं सर। होता है सर। मैंने क्या बोला तुझे? ही मेक्स मी द विलन। विलन आपके चेहरे के ना एक्शन देखा, भाग्यश्री तू हमको एंटरटेन करती, लेकिन तेरा एंटरटेन बताऊं क्या है? ये सर,